पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए देखिएगा, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान से। पोर्टफोलियो का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। एंड मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन। द टर्म मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन लेना, यानी अगर मैं कोई भी एक डिसीजन लेने की बात कर रहा हूं इन रेस्पेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में डिसीजन लेना चाहता हूं। मार्केट में कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें से मैं किस एप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज को लेकर अपना एक ग्रुप बनाऊं, इस बात का जो हम डिसीजन ले रहे हैं, दिस डिसीजन विल बी नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिसीजन। पोर्टफोलियो मींस ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी, मैनेजमेंट मींस डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट सिक्योरिटीज। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिचुएशन। नाउ व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है, समझना। हैरी मार्कोविच इज द फर्स्ट पर्सन हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो हैरी मार्कोविच हैं, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इस एक आइडिया को क्या किया, जनरेट किया। क्या आइडिया जनरेट हुआ, देखिए बेसिकली अगर आप हम रोजमर्रा की चीजों में भी देखें ना, हम एक बहुत बड़ी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन हैरी मार्कोविच ने किया। एंड देन ही जनरेट द आइडिया कि व्हाट इज बेसिक द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए क्या था, मान लीजिए जो हैरी मार्कोविच की उस बात पर आते हैं, हैरी मार्कोविच अपनी दादी को एक वर्क करते हुए ऑब्जर्व करते थे, और ऐसा ही वर्क आप भी अपने घर में ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्वेंस थी, समझना। उनकी जो दादी थी वो अंडे लाती, 30 अंडे, और उन 30 अंडों को अलग अलग बास्केट में रखती थी। 10 अंडे एक बास्केट में, 10 एक बास्केट में, 10 एक बास्केट में। अब हैरी मार्कोविच इस चीज को ऑब्जर्व करते थे कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार उन्होंने अपनी दादी से पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, जब हमें 30 अंडे लाने हैं तो क्यों ना हम इन सारे अंडों को एक ही बास्केट में रखें और फ्रिज में रख दें। तो उनकी दादी ने एक बहुत बढ़िया आंसर दिया कि देख बेटा, अगर हम इन 30 को एक ही जगह रखें और उसमें से एक अंडा सड़ जाए, तो उस बास्केट में रखे हुए बाकी के जितने भी अंडे हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो हमारे बास्केट में रखे हुए सारे अंडे खराब। लेकिन अगर हम इसे ग्रुप में बांट देंगे, तो अब अगर एक बास्केट में कोई एक अंडा अगर खराब भी हुआ तो उसी बास्केट के अंडों को खराब करेगा, बट जो अदर बास्केट के 20 अंडे हैं वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो जैसे ही हैरी मार्कोविच के दिमाग में यह बात आई, तो उन्होंने तुरंत उनके माइंड में एक आइडिया डेवलप हुआ कि यार जब हम एक छोटी चीज अंडे टमाटर, हम इनके लिए भी ऐसा करते हैं कि यार कोई टमाटर सड़ा गला आ गया, हम उसको तुरंत अलग कर देते हैं। क्यों नहीं रखते हम उसे बाकी के टमाटर के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे बाकी के टमाटर भी सड़ जाएंगे। तो वाई नॉट दिस कॉन्सेप्ट विल अप्लाई फॉर द मनी, कि हम मनी के रेस्पेक्ट में ऐसा क्यों नहीं करते। क्यों ना हम अपनी मनी को भी कुछ टुकड़ों में बांटें और मनी का कुछ हिस्सा एक जगह लगाएं और कुछ हिस्सा मनी का एक जगह इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा, अगर एक इन्वेस्टमेंट पर हमें नुकसान हुआ तो
तो केवल हमें उतना ही नुकसान होगा ना जितनी मनी वहां इन्वेस्टेड है, लेकिन हमारी बाकी मनी तो सेफ है, और हो सकता है कि बाकी में कहीं पर हमें कुछ फायदा मिल जाए और वो फायदा उस लॉस को क्या कर दे, सेट ऑफ कर दे। तो हैरी मार्कोविच इज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसने बोला कि एक इन्वेस्टर को अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी सारी मनी एक जगह इन्वेस्ट कर दी तो मे बी पॉसिबल कि उसी जगह पर उसे नुकसान हो जाए और उसका पूरा का पूरा पैसा डूब जाए। इसके बजाय उसे अपनी मनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और उन छोटे छोटे अमाउंट को अलग अलग जगह पर क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक जगह नुकसान को दूसरे जगह के फायदे से हम क्या कर सकें, कंपनसेट कर सकें। और इसी आइडिया को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा गया। दिस इज द बेसिक थ्योरी डेवलप्ड बाय द हैरी मार्कोविच एंड दिस थ्योरी इज नोन एज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय हैरी मार्कोविच। दिस थ्योरी विच इज डेवलप्ड बाय द हैरी मार्कोविच नेम्ड बाय मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय हैरी मार्कोविच। उसने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिया। अब उसने ये कॉन्सेप्ट तो दे दिया, सब जने एग्री भी हो गए कि हां बिल्कुल ठीक है, करना तो यही चाहिए कि सारा पैसा एक जगह न लगाकर क्या करना चाहिए, अलग अलग जगह पर। कि सारा पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट ना करके क्या करना चाहिए, अलग अलग जगह पर। लेकिन उसके इस रूल से दो फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज हुए। क्वेश्चन नंबर वन, हम ये सिलेक्शन कैसे करें कि हमें कहां कहां पर पैसा लगाना चाहिए। मार्केट में कई सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो हम ये कैसे सिलेक्शन करें हमें अपना पैसा किन सिक्योरिटीज में लगाना चाहिए। और दूसरा डिसीजन जो ये बहुत बड़ी समस्या बनी कि अब आपने सिक्योरिटी सेलेक्ट कर ली तो उन सिक्योरिटीज में कितना कितना पैसा लगाना चाहिए। हैरी मार्कोविच की इस पोर्टफोलियो के दो बेसिक क्वेश्चन अराइज हुए। क्वेश्चन नंबर वन क्या अराइज हुआ कि किन सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो कई सारी सिक्योरिटीज हैं। एंड देन जब हमने क्या चुन लिया, सिक्योरिटीज को चुन लिया, तो अब यह चुनना कि कितना कितना पैसा लगाना चाहिए। हैरी मार्कोविच प्रोवाइड द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल। द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज रिस्क रिटर्न एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटीज। उसने एक प्रिंसिपल डेवलप किया। उसने बोला अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर जानना है कि आपको किन किन सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए, तो आपको मार्केट की जो सिलेक्टेड गिवन सिक्योरिटीज हैं उनका रिस्क रिटर्न एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड आफ्टर डूइंग सच रिस्क रिटर्न एनालिसिस आप ये जान पाएंगे कि आपको किस सिक्योरिटी में पैसा लगाना है। दिस इज द ओवरव्यू गिवन बाय द हैरी मार्कोविच। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। हमारा ये जो पार्ट है, चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैटेगराइज्ड इन फोर पार्ट्स। पार्ट वन, हम बात करेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय द हैरी मार्कोविच। पार्ट टू, हम जाएंगे हमारी कैपिटल मार्केट थ्योरी के ऊपर। पार्ट थ्री, हमारा एक आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी यानी एपीटी मॉडल होगा। एंड पार्ट फोर में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे जो एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। तो स्टार्ट विद द हैरी मार्कोविच पार्ट विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। कि आपको अपनी मनी को टुकड़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप हर एक टुकड़े को अलग अलग सिक्योरिटी में रखना चाहिए। तो यहीं से हमारी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का जो फंडामेंटल पार्ट है वो स्टार्ट हुआ कि हाउ टू सेलेक्ट द सिक्योरिटीज इन विच अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड।
तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें पार्ट वन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। हम सबसे पहले पार्ट वन पर डिस्कशन करेंगे। पार्ट वन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। पार्ट वन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। चलिए इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर वन। अंडर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी वी हैव टू एनालाइज risk return analysis in respect of given securities and based on such risk and return we have to select optimum securities. ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द मॉडर्न पोर्टफोलियो जो हैरी मार्कोविच ने रिस्क रिटर्न के लिए दी। तो यानी इसका मतलब अब मुझे दो चीजों की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन नंबर वन, हर सिक्योरिटी से मिलने वाली रिटर्न कैसे देखी जाएगी, और दूसरा हर सिक्योरिटी के साथ क्या रिस्क जुड़ी हुई है। लिखेंगे टॉपिक वन। अब हम अपने कैलकुलेटिव पार्ट पर आ रहे हैं। लिखें टॉपिक वन, how to calculate return from a security। How to calculate return from a security. देखिए, किसी भी सिक्योरिटी से मिलने वाली रिटर्न को हम दो तरीके से सोच सकते हैं। एक, उस सिक्योरिटी की पास्ट ईयर्स में जो रिटर्न दी गई है हम उसके आधार पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह सिक्योरिटी क्या रिटर्न देती है, या फिर हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर का कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट एक्सपेक्टेशन ये सिक्योरिटी ये रिटर्न जनरेट करने की संभावना रखती है। वापस देखना, सिक्योरिटी की रिटर्न हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक, उस सिक्योरिटी द्वारा प्रोवाइड की गई एक्चुअल रिटर्न इन द पास्ट ईयर्स। हमने पास्ट का एक ट्रेंड निकाला कि यार पास्ट में इस तरीके से रिटर्न चल रही थी तो अब भी इतनी रिटर्न देगी। और एक, पास्ट ट्रेंड अवेलेबल नहीं है
तो मैं केवल और केवल उस सिक्योरिटी के फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहा हूं कि यार फ्यूचर में क्या क्या संभावना है कि ये सिक्योरिटी मुझे क्या रिटर्न जनरेट करके देगी. तो अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे, हम रिटर्न निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा. हिस्टोरिकल का मतलब पास्ट ईयर्स की एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेशन मतलब फ्यूचर का प्रिडिक्शन. तो अगर मुझे हिस्टोरिकल डेटा दिया गया है तो एक एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे हम आर बार. रिटर्न वन प्लस रिटर्न टू ठीक है. तो अगर मुझे हिस्टोरिकल डेटा दिया गया है तो मुझे जितने पास्ट ईयर की रिटर्न दी गई है मैं उसकी क्या निकाल लूंगा, एवरेज रिटर्न कंप्यूट कर लूंगा. और उससे मैं थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकता हूं कि हां अब ये कंपनी ऑन एन एवरेज इतनी रिटर्न तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी. बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा, देखिए जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी, उस अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होती है विच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन और फ्यूचर अगर मुझे देखना है तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाता है विच इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड डेटा दिया गया है तो मुझे उन क्वेश्चंस में एक प्रोबेबिलिटी दी जाएगी. तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न वन इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस रिटर्न टू इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी रिटर्न थ्री इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी सो ऑन. तो ये मेरे पास एक्सपेक्ट डेटा पर बेस्ड रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगी. नोट, इफ इन द क्वेश्चन R1, R2, R not given. Then R1, R2 means holding period return. Holding period return. देखिएगा अगर आपको क्वेश्चन में R1 और R2 अगर गिवन नहीं है तो R1 और R2 का मतलब है होल्डिंग पीरियड returns. तो हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में देख चुके हैं.
कैसे निकलती है होल्डिंग पीरियड रिटर्न? डिविडेंड इनकम प्लस कैपिटल गेन इनकम प्लस पी वन माइनस पी जीरो इंटू 100। अगर हमें क्वेश्चंस में होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स नहीं दी हुई है यानी कंपनी की रिटर्न्स, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न वी कैन कंप्यूट द रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी। तो लीजिए, हैरी मार्कोविच ने जो प्रिंसिपल दिया रिस्क रिटर्न एनालिसिस, हमने उसके पहले फैक्टर पर बात कर ली कि हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी। तो रिटर्न निकालने के दो तरीके हो गए, एक पास्ट ईयर डेटा और एक हमारे पास एक्सपेक्टेड डेटा। देखिए, ए लिमिटेड प्रोवाइड फॉलोइंग रिटर्न, along with probabilities पंद्रह परसेंट रिटर्न, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 है, 12% रिटर्न 0.10 है, 14% रिटर्न 0.30 है, 0.40। चलिए देखिए, ए लिमिटेड ने अपनी ये रिटर्न्स दी हैं अलोंग विद द प्रोबेबिलिटी। नाउ वी वांट टू नो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए लिमिटेड। कैलकुलेट रिटर्न ऑफ ए लिमिटेड, हमें ए लिमिटेड की क्या निकालनी है, रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन के डेटा से हमें पता लग गया कि हमें क्या दी हुई है, हमें प्रोबेबिलिस्टिक डेटा दिया हुआ है यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न दी हुई है और साथ में उसकी क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो चलिए, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दें, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 15 × 0.20 प्लस 12 × 0.10 प्लस 14 × 0.30 प्लस 12.5 × 0.40। बताएं सॉल्व करके कितना आया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, तो यानी हैरी मार्कोविच ने दो तरीके दिए एक सिक्योरिटी की रिटर्न को निकालने के लिए। नाउ, अब उसने आगे एक और बात बोली, सुनना बहुत ध्यान से। हमने जो रिटर्न निकाली ना, चाहे वो पास्ट डेटा पर निकाली या फिर वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके निकाली, दोनों ही केस में ये रिटर्न भी एग्जैक्ट रिटर्न नहीं हो सकती।
समझो, हमने पिछले लास्ट 5 ईयर्स का डेटा उठाया और उससे एक एवरेज रिटर्न प्रिडिक्ट कर दी कि हाँ ऑन एन एवरेज ये कंपनी इतनी रिटर्न जनरेट करती है, या हमने क्या किया, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके एक रिटर्न एस्टिमेट कर दी। बट क्या आपको लगता है कि ये एक्चुअल रिटर्न है अभी भी, या आप ये मानते हैं कि एक्चुअल रिटर्न कैन बी डिफर फ्रॉम दिस रिटर्न, यानी देयर मे बी सम डेविएशंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न टू एक्चुअल रिटर्न। तो हैरी मार्कोविच ने कहा ये रिटर्न जो आपने सोची है एक्चुअल रिटर्न, इससे डेविएट हो सकती है। डेविएट होने का मतलब है इससे इधर भी जा सकती है और इससे कम भी रह सकती है। तो बजाय इस रिटर्न को कंपेयर करने के आपको एक रेंज पर बात करनी चाहिए कि हाँ इस सिक्योरिटी की रिटर्न इस रेंज से इस रेंज तक हो सकती है। तो उसने एक नई कैलकुलेशन दी टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द रिटर्न। यानी हैरी मार्कोविच ने क्या बताया, समझना, आपकी ये रिटर्न जो आई ना 13.4, ये भी कोई एग्जैक्ट रिटर्न नहीं है। आप जब एक्चुअल मार्केट सिचुएशन में जाएंगे तो इट कैन डेविएट, इट कैन डेविएट, ये इससे इधर भी डेविएट हो सकती है और इधर भी डेविएट हो सकती है। तो टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द डेविएशन, उसने बोला कि अब इस सिक्योरिटी में जुड़ी हुई जो रिस्क है आप उसको कैलकुलेट करो, और उसने उसको मेजर किया स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, द डेविएशन फ्रॉम द एवरेज रिटर्न। कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 20% आया, यानी व्हाट डज इट मीन, इस सिक्योरिटी की रिटर्न 13.4 माइनस 20% निकालना कितना आया, 13.4 माइनस 20% 10.72, और इसमें 20% प्लस करके एक रिटर्न बताओ 16.08। नाउ हैरी मार्कोविच सेज अगर हम उस सिक्योरिटी में इन्वॉल्व रिस्क को ढूंढ पाए तो हम एक रेंज तैयार कर सकते हैं, एंड द रेंज सेज कि अब ये कंपनी इस रिटर्न से लेकर इस रिटर्न के बीच में आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी। तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी, क्योंकि ये रिटर्न भी प्रिडिक्टेड रिटर्न है। अगर ये प्रिडिक्टेड रिटर्न है तो ये डेविएट हो सकती है। तो उसने बोला कि इसके डेविएशन की एक रेंज ढूंढ लो आप, देन यू कैन एबल टू टेक अ डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी। तो उसने जो सेकेंड कैलकुलेशन दी वो क्या दी, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी विच इज बेसिकली अ रिस्क अटैच्ड विद द सिक्योरिटी। तो लिखेंगे टॉपिक नंबर 2 डालकर, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। रिस्क मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, रिस्क मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमें रिस्क मेजर करनी है तो वो किस टर्म में की जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म्स में हम उस रिस्क को मेजर करेंगे।
तो अब बात आती है हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. और बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेटा. स्टेप वन, कैलकुलेट एवरेज रिटर्न. स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे निकालना है, सबसे पहले मैं सिक्योरिटी की क्या निकालूंगा, एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करूंगा कि R1 प्लस R2 से लेकर हमारी क्या एवरेज रिटर्न आ रही है. सेकेंड, कैलकुलेट डेविएशन ऑफ ईच रिटर्न फ्रॉम एवरेज रिटर्न. डी यानी डेविएशन निकालेंगे, हर रिटर्न का एवरेज रिटर्न से क्या निकाल लोगे, डेविएशन. जैसे R1 माइनस R बार, ये एक डेविएशन आ गया. रिटर्न अंडर टू माइनस R बार, ये डेविएशन आ गया. दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन ऑफ रिटर्न विथ एक्चुअल रिटर्न, कि जो आपको एक्चुअल रिटर्न दी गई है उसका एवरेज रिटर्न से आपने क्या निकाल लिया, डेविएशन कैलकुलेट कर लिया. थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट स्क्वायर स्क्वायर ऑफ डेविएशन कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ डेविएशन दैट इज डी स्क्वायर. आपने जो डेविएशन निकाले हैं उन डेविएशन का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. एंड स्टेप नंबर फोर में कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी. सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. ये चार स्टेप आपको लगानी है. सबसे पहले एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे, हर एक रिटर्न का उस एवरेज रिटर्न से डेविएशन निकाल लेंगे, देन डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, और आफ्टर द स्क्वायर ऑफ डेविएशन एक फॉर्मूला लग जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का अंडर रूट. अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ईआर निकालोगे. सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे, आर वन पी वन आर टू पी टू. कैलकुलेट डेविएशन ऑफ ईच रिटर्न
फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी अब डी की वैल्यू निकलेगी, हर इंडिविजुअल रिटर्न का एक्सपेक्टेड रिटर्न से क्या निकाल लिया जाएगा, डेविएशन निकाल लिया जाएगा। स्टेप थ्री, कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ सच डेविएशन दैट इज डी स्क्वायर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई डी स्क्वायर विथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, एंड गेट टोटल। आपने सारे जो डी स्क्वायर निकाले हैं उनको उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे डी स्क्वायर विथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड गेट टोटल, तो दैट इज हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। हर इंडिविजुअल डी स्क्वायर को उसकी प्रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल करना है। और स्टेप नंबर फाइव में, और ये जो टोटल आता है इसे वेरिएंस बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, वेरिएंस। नाउ कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। हाँ, वेरिएंस निकालना है तो बस इसको स्क्वायर की टर्म्स में छोड़ देंगे, अंडर रूट जैसे ही निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बोलिए, क्लियर बिल्कुल यहां तक? यानी अगर हमने अब दो चीजें निकालनी सीख ली, एक सिक्योरिटी से मिलने वाली रिटर्न और एज वेल एज उस सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई रिस्क, रिस्क विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो वी आर मेजरिंग द रिस्क अटैच्ड विद द सिक्योरिटी। रिस्क अटैच्ड विद द सिक्योरिटी मतलब कि वो सिक्योरिटी की रिटर्न इतना डेविएट होकर यहां तक की रेंज में जा सकती है ताकि हम उस पर बेस्ड अब एक डिसीजन ले पाए। तो यानी हैरी मार्कोविच ने सबसे पहले अपना एक रूल दिया, उसने बोला कि अगर आपको सिक्योरिटी का सिलेक्शन करना है तो आपको रिस्क रिटर्न एनालिसिस करना आना चाहिए। और रिस्क रिटर्न को एनालिसिस करने के लिए उसने बोला पहले आपको हर सिक्योरिटी की क्या निकालनी है, रिटर्न निकालनी है, और फिर उस सिक्योरिटी की आपको क्या निकालनी है, रिस्क निकालनी है, और रिस्क विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब उसने कुछ रूल्स दिए, यानी आपने रिस्क और रिटर्न तो निकाल ली, अब इस रिस्क और रिटर्न के आधार पर सिलेक्शन कैसे करोगे, ये तो अभी हमने हाँ जा सकता है, ये तो एक मार्केट का एस्टिमेशन होता है। समझो हमने कई सारी रिटर्न्स ली और उससे डेविएशन निकाला, तो बाय अज्यूमिंग द डेटा कि अगर मार्केट इसी तरह से मूव करेगा तो इतना डेविएशन आ सकता है। देखिए मार्केट पर हम कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते, मार्केट में डेविएशन कुछ भी हो सकता है, बट वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट सम एस्पेक्ट कि अगर मार्केट में कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं आएगी तो मार्केट में लगभग इतना ही मूवमेंट आएगा। अब एक एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई और उस वजह से डेविएशन ज्यादा हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें।
चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन. हमारा जो ए पार्ट है, हैरी मार्कोविच मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, सुनेंगे क्या बोल रहा है. देखिए ये, यूजिंग द डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ थ्री कंपनीज गिवन बिलो, कंप्यूट द रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय एन इन्वेस्टर होल्डिंग द शेयर्स फॉर वन ईयर. मैंने आपको ये बताया था कि हैरी मार्कोविच ने पहला पॉइंट दिया था कि आपको हर सिक्योरिटी की क्या निकालनी है, रिटर्न कैलकुलेट करनी है. अगर रिटर्न गिवन नहीं है तो रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न. बताइए होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, HPR इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. चलिए उसने बोला है तीनों कंपनियों के लिए आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले ए लिमिटेड, बताइए मुझे ए लिमिटेड की डिविडेंड इनकम कितनी दे रखी है, 6 प्लस P1 बताएं. P1 का मतलब क्या था, प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज 42 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू निकालें. कितना आ गया, 20%, दैट इज 20%. क्लियर है बिल्कुल. चलिए बी लिमिटेड पर आ जाओ, बताइए बी लिमिटेड का डिविडेंड कितना है, 8. तो डिविडेंड 8 प्लस P1 कितना है, 79 और P0 75. तो 79 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ गई, 16%. सी लिमिटेड देखिएगा, आ गई 16% सबकी. सी लिमिटेड में डिविडेंड बताएं, 3. P1 कितना है, 56 और P0 तो लीजिए 3 प्लस 56 माइनस 56 ही था ना, एटीन परसेंट लीजिए. ये हमारे पास सिंपली क्या आ गई, होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर थ्री कंपनीज. चलिएगा क्वेश्चन नंबर टू. देखिएगा ध्यान से, द करंट प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड इज 10, यानी दैट इज P0. तो लीजिए मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशन को कि मुझे गिवन है P0 कितना, 10. डिविडेंड कितना है, 1 रुपए. तो यानी हमारे पास दूसरा डेटा भी मिल गया कि डी है हमारे पास ₹1. ध्यान से देखना, ईयर एंड प्राइस क्या पूछा है इसने, ईयर एंड में ₹10 की प्राइस हो सकती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 40% है.
ग्यारह की प्राइस हो सकती है इस बात की प्रोबेबिलिटी 40 है, और 12 हो सकती है इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.2 है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर अ ईयर हेंस. आपको यह बताना है अगर ईयर वन पर यह प्राइस क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है तो बताइए एक्सपेक्टेड P1 क्या होगी. तो आपको हर P1 के होने की क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी. तो कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा पहले पार्ट का आंसर. एक्सपेक्टेड प्राइस इज इक्वल टू 10 हो सकती है इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 11 हो सकती है इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और 12 हो सकती है इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.2 है. तो ये आ गया 4 प्लस 4.4 और प्लस 2.4, तो टोटल करें 10.80. यानी एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर क्या हो गई, और ये कब होगी, एट द एंड. तो यानी दिस विल बी कॉल्ड एज P1. अब देखो इसने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ए लिमिटेड की रिटर्न कैलकुलेट करके बताओ. ए लिमिटेड की रिटर्न कैलकुलेट करके बताओ, तो रिटर्न निकाल सकते हैं, क्लियर है, तो रिटर्न का फॉर्मूला लगा दो. सेकंड पॉइंट, HPR, रिटर्न मतलब HPR इज इक्वल टू डिविडेंड 1 रुपए प्लस 10.80 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100. एक का डिविडेंड है P1 10.8 हो गया, P0 10 रुपए है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, बताएं कितना आया, 18%. क्लियर, बिल्कुल बेसिक. चलिए अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे. ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि HPR निकालना है, P1 आपको कैलकुलेट करना है. अच्छा क्वेश्चन नंबर यही डाल लेना, शीट में एग्जैक्ट यही नंबरिंग है आपकी. चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3, अब बिल्कुल ध्यान से इसको हम करेंगे. चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ध्यान से सुनना बिल्कुल. करंट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी इज ₹50, यानी ये P0 हो गया आपका. तो लीजिए मेरे पास जो गिवन डेटा है P0 वो कितना दे रखा है, ₹50. अब सुनना बहुत ध्यान से, एट द एंड ऑफ करंट ईयर कंपनी मे अर्न ₹4 और ₹6. आपको कंपनी की अर्निंग्स दे रखी हैं, अर्निंग्स या तो कंपनी कितना कमाएगी 4, या कंपनी कितना कमाएगी 6. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 4 पर शेयर इज 60%, यानी ₹4 कमाने की प्रोबेबिलिटी 0.60 है, तो ₹6 कमाने की प्रोबेबिलिटी 0.40 हो गई. क्लियर यहां तक, आगे चलो सुनना. कंपनी मेंटेन कंसिस्टेंट पे आउट रेशियो ऑफ 75%, यानी अगर कंपनी ₹4 कमाएगी तो इसका 75% डिविडेंड देगी. तो यानी मेरे पास डिविडेंड आ गए, ₹4 कमाओगे तो ₹3 का डिविडेंड दोगे, और अगर 6 कमाओगे तो इसका 75% निकालो, ₹4, ये मेरे पास डिविडेंड आ गए. अगर कंपनी 4 कमाएगी तो 3 का डिविडेंड देगी, और अगर कंपनी 6 कमाएगी तो 4 का डिविडेंड देगी. ठीक है यहां तक, आगे बढ़ो सुनना.
इफ कंपनी अर्न 4 रुपीज, यानी इस डेटा पर बात कर रहा है, अगर कंपनी 4 रुपए, 4.5 आ रहा है क्या, कैलकुलेट करो सही ढंग से, 6 × 75 = 4.5। अब सुनना बहुत ध्यान से, इसने क्या बोला, अगर कंपनी 4 रुपए कमाती है तो कंपनी के शेयर की प्राइस 48 रुपए हो सकती है, जिसकी संभावना 70% है, या कंपनी के शेयर की प्राइस 52 रुपए जा सकती है, जिसकी संभावना 30। ये P1 हो गया। तो देखो ध्यान से, मैं इसको भी इसी के सामने यहां लेता हूं, P1 या तो 48 रुपए हो सकता है या 52 रुपए हो सकता है, इसकी संभावना 0.70, इसकी संभावना 0.30। समझना बहुत ध्यान से, अगर कंपनी इतना कमाएगी तो इतना तो डिविडेंड देगी, और या तो P1 इतनी जा सकती है या P1 इतनी जा सकती है, दो P1 अवेलेबल हो गई मेरे पास, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे दी। आगे चलो, अगर कंपनी 6 रुपए कमाएगी तो मार्केट प्राइस या तो 55 होगी, जिसके होने की संभावना 80% है, या फिर 58 रुपए होगी, जिसकी संभावना 20% है। लीजिए, यानी अगर कंपनी 6 रुपए कमाती है तो P1 या तो 55 हो सकती है या P1 58, दो ये ना, 55 होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 और 58 होने की प्रोबेबिलिटी 0.20। अब आपसे उसने पूछा है, डिटरमिन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, आपको रेट ऑफ अर्निंग निकालनी है। अब बताइए कैसे आप डेटा को गैदर करोगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करोगे। करने के कई तरीके होंगे, आपको यह देखना है कि आप उसको कितना जल्दी क्लिक कर पाते हैं। हमें पता है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, डिविडेंड का डेटा दिया हुआ है, P1 और P0 का डेटा दिया हुआ है, तो इट मींस फॉर्मूला तो HPR लगना है, क्योंकि रिटर्न निकालनी है और डिविडेंड दे रखा है, P1 दे रखा है और P0 दे रखा है, तो क्या निकलेगा। अब इसमें भी एक पॉइंट है, सुनना ध्यान से, हमारे पास कई प्रोबेबिलिस्टिक डेटा चल रहे हैं। देखो, पहले मैं यहां बात करता हूं, अगर 3 रुपए की डिविडेंड इनकम लूं तो P1 ये भी ले सकता हूं और P1 ये भी ले सकता हूं। फिर अगर मैं डिविडेंड 4.5 लूं तो P1 ये भी ले सकता हूं और P1 ये भी ले सकता हूं। फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ साथ ये प्रोबेबिलिटीज भी चल रही हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ साथ ये प्रोबेबिलिटीज भी चल रही हैं। बताइए कैसे इसको आप स्टार्ट करोगे, करो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कोशिश करो पहले कि आप कैसे इससे मुझे आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालकर बताओगे। तो P1 कैसे निकालोगे, P1 तो दो अलग अलग है, हाँ बोलो, ठीक है ठीक है। तो ये एक इस पार्ट की HPR आ गई, फिर इसी तरह से इसकी निकलेगी, फिर रिटर्न तो एक निकालनी है भाई, रिटर्न तो एक ही निकलनी है ना, देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप हर प्रोबेबिलिटी को अलग अलग लेकर काम करो, सुनना मेरी बात, कई तरीकों से हम कर सकते हैं। अब देखो आप, मैं आपको समझाता हूं, सबसे पहले मैंने HPR1 निकाली, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कंपनी 3 रुपए का डिविडेंड देगी प्लस P0 48 रुपए जा सकती है, माइनस P1 50 रुपए है, डिवाइडेड बाय 50 रुपए इंटू 100। क्या मेरे पास ये एक रिटर्न आ गई कि नहीं आ गई,
फिर मैंने बोला नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, कंपनी डिविडेंड तो अभी भी 3 रुपए दे रही है, लेकिन P1 जो है वो 52 हो जाए, माइनस P0 50 रहे, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। निकाल के बताओ मुझे, दोनों HPR कैलकुलेट करके बताओ। मैंने पहले डिविडेंड को उठाया, उसका इसके साथ रिलेशन लेते हुए HPR निकाली, और उस डिविडेंड का इसके साथ रिलेशन लेते हुए मैंने HPR कैलकुलेट की। हो जाएगा, कई बहुत तरीके हैं करने के, बट उसमें बाद में फिर आपको बाद में भी मल्टीप्लाई उतना ही करना है प्रोबेबिलिटी से। अभी करते हैं, देखो उससे पहले एक बार निकालें अपन इसको, फिर अल्टरनेटिव पर जाएंगे। कितना, ये तो आई 2% और ये आई। अब इसी तरह से दो HPR इससे निकलेंगी, चलिए HPR 3, 4.5 का डिविडेंड प्लस 55 की P1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, कितना 22%। और ये रहा 22 ही सही निकालना, कैलकुलेशन बहुत गलत करते हो आप लोग। HPR 4 तो मैं बोल रहा हूं इसीलिए कि आप कैलकुलेशंस को चेक करो ढंग से। ये आ गया 19। आइए 4.5 प्लस प्राइस कितनी होगी, 58 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कितना आ गया, सही है ना। अब तो अब आपके पास 4 रिटर्न आ गई। अब इनके होने की प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी है, अगर इनके होने की प्रोबेबिलिटीज मिल जाएं तो मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकता हूं। अब देखिएगा पहले के होने की प्रोबेबिलिटी को देखना, पहले देख लो चारों निकाल ली क्या आपने। सुनना आप, देखो 3 का डिविडेंड होगा लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और इसके साथ यह घटना होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो अगर इन दोनों को लेकर निकालूंगा तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.42। वापस से सुनना, 3 ले रहा हूं तो उसकी भी तो एक प्रोबेबिलिटी है, और 48 ले रहा हूं उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने जो पहली रिटर्न निकाली वो 3 और 48 दोनों को लेकर निकाली, तो इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हो गई 0.6 इंटू 0.7, कितना हुआ 0.42। इधर बताओ 3 की प्रोबेबिलिटी 0.6, इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, तो कितना हो गया 0.18। आइए 4.5 होने की प्रोबेबिलिटी 0.4, इसके साथ ये होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 0.32, और लास्ट में। अब मेरे पास सारी होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी आ गई और उनकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई, तो अब मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए जरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहली रिटर्न कितनी थी 2, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.42 प्लस दूसरी रिटर्न 18 इस 10 इंटू होने की प्रोबेबिलिटी 0.18 प्लस तीसरी रिटर्न 19 इंटू होने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट प्लस 25 की रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी 0.08।
10.72%, ये आपकी रिटर्न आ गई। तो उसने अब तीसरी बात क्या बोली, हाउ टू डिसाइड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन रिस्क रिटर्न एनालिसिस हाउ टू डिसाइड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन रिस्क रिटर्न एनालिसिस। सिचुएशन वन, डिसीजन बिटवीन टू सिक्योरिटीज ओनली, हैरी मार्कोविच ने अपना पहला डिसीजन देना चालू किया कि अब आपने ये जो रिस्क रिटर्न एनालिसिस किया है इस पर बेस्ड सिलेक्शन कैसे करोगे। तो सबसे पहले उसने बोला अगर आपके पास दो सिक्योरिटीज के बीच में सिलेक्शन करना है, यानी मार्केट में हमारे पास दो सिक्योरिटीज हैं और हमें उन दो सिक्योरिटीज में से किसी एक सिक्योरिटी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो उसने अब यहां पर कुछ रूल्स देना चालू किए, देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। सबसे पहली सिचुएशन उसने डिस्कस की, केस ए, ए और बी दो कंपनी की सिक्योरिटीज हमारे पास हैं, हमें इनकी रिटर्न दी हुई है 12% और 12%, इन सिक्योरिटी की रिस्क दी हुई है 6% और 8%। टू सिक्योरिटीज विच आर प्रोवाइडिंग एग्जैक्टली सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न हैविंग डिफरेंट रिस्क इन्वॉल्व इन इट। तो तुरंत हैरी मार्कोविच ने बोला वी कैन आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम सिक्योरिटी। आप देखो दोनों सिक्योरिटी सेम रिटर्न दे रही है लेकिन इस सिक्योरिटी में केवल 6% की रिस्क है जबकि इस सिक्योरिटी में 8% की रिस्क है, तो कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, जो सिक्योरिटी हमें सिमिलर रिटर्न एट लोअर लेवल ऑफ रिस्क दे रही है। तो इसने पहला रूल देना चालू कर दिया। तो रूल लिख दें इसके नीचे, इफ टू सिक्योरिटीज प्रोवाइड सिमिलर रिटर्न हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क then security having lower risk should be preferred. तो हमें कौन सी सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि रिटर्न तो दोनों इक्वल है तो हम रिटर्न के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते। तो हम ये देखेंगे कि किस सिक्योरिटी की जो रिस्क लेवल है वो कम है, तो जो रिस्क लेवल जिसका क्या है कम है हम उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यानी द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी सिक्योरिटी ए विल बी सेलेक्टेड। केस बी, फिर उसने दूसरी सिचुएशन को डिस्कस किया। केस बी, ए और बी, टू सिक्योरिटीज हैविंग सेम रिस्क लेवल एंड प्रोवाइडिंग डिफरेंट रिटर्न इन द मार्केट। उसने दूसरी सिचुएशन समझाई,
अगर आप दो सिक्योरिटीज को इवेल्युएट कर रहे हो जिनका रिस्क लेवल तो इक्वल है लेकिन इनकी रिटर्न क्या है अलग अलग, तो बताओ विच सिक्योरिटी शुड बी सिलेक्टेड। जब रिस्क लेवल सेम हो गया तो रिस्क की तरफ से तो हम सोचेंगे ही नहीं, तो हम क्या देखेंगे कि जो सिक्योरिटी इस सिमिलर रिस्क पर क्या प्रोवाइड कर रही है, हायर रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, दैट सिक्योरिटी शुड बी सिलेक्टेड। तो रूल लिख दो, सिक्योरिटीज हैविंग डिफरेंट रिटर्न, सिक्योरिटीज हैविंग डिफरेंट रिटर्न एट सेम लेवल ऑफ रिस्क, डिफरेंट रिटर्न एट सेम लेवल ऑफ रिस्क, देन सिक्योरिटी प्रोवाइड हायर रिटर्न, सिक्योरिटी प्रोवाइड हायर रिटर्न शुड बी प्रिफर्ड। सिक्योरिटी प्रोवाइड हायर रिटर्न शुड बी प्रिफर्ड। तो यहां पर कौन सी सिक्योरिटी सेलेक्ट हो गई, बी सिक्योरिटी विल बी सेलेक्टेड। केस सी दिया उसने, सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड डिफरेंट लेवल ऑफ रिटर्न, बट वन सिक्योरिटी प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ रिटर्न एट अ लोअर लेवल ऑफ रिस्क। दो सिक्योरिटी हैं, दोनों की रिस्क भी अलग अलग है, दोनों की रिटर्न भी अलग अलग है, लेकिन बाय ऑब्जर्विंग हमें यह तुरंत पता लग रहा है वी हैव टू सेलेक्ट सिक्योरिटी बी। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी इसके कंपैरिजन में हाई रिटर्न प्रोवाइड कर रही है और रिस्क लेवल भी क्या है, लो है। तो उसने ये तीसरा रूल डेवलप कर दिया, लिखें सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ रिटर्न एट डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ रिटर्न एट डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, देन देन इफ एनी सिक्योरिटी प्रोवाइड higher return at lower level of risk, if any security provide higher return at lower level of risk, then such security should be preferred, then such security should be preferred। उस सिक्योरिटी को हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। केस डी, अब देखिएगा सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग डिफरेंट रिटर्न और डिफरेंट रिस्क, बट बाय ऑब्जर्विंग अब हम डिसीजन नहीं ले सकते। देखो अगर ये सिक्योरिटी कम रिस्की है तो इसकी रिटर्न भी कम है, और अगर ये सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है तो इसकी रिटर्न भी ज्यादा है। मतलब अगर इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि यार मैं
हाई रिस्क लेने को तैयार हूं तो देन गो फॉर द बी. अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी, और अगर आप रिस्क कम लोगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगी. तो नाउ अब हम बाय द ऑब्जर्विंग ऑफ द सिक्योरिटी वी कांट डिसाइड. अब हैरी मार्कोविच ने कुछ मेथड्स दिए. उसने कहा ये दोनों सिक्योरिटी ऑप्टिमम है, अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर जाएंगी, बट इफ वी हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम तो देन हाउ टू डू द सिलेक्शन. तो उसने क्या बोला कि अगर आपके पास दो ऐसी सिक्योरिटी हैं जो ऑब्जर्विंग से नहीं पता लग पा रही हैं, तो हमारे पास तीन मेथड्स होंगे. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन हम क्या निकाल पाएंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सी सिक्योरिटी प्रिफरेबल होगी. मेथड कौन सा लगेगा, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन. ध्यान से देखेंगे इस सिचुएशन में पहला मेथड. इफ ओनली रिस्क एंड रिटर्न आर गिवन, then use coefficient of variation method. Then use CV method, coefficient of variation method. आपको कोई information नहीं दी है, केवल उसने आपको दो security की return दे दी और उसने आपको दो security की क्या दे दी, रिस्क दे दी. और अब वो आपसे बोल रहे हैं डिसाइड करके बताओ. तो आपको इन दोनों सिक्योरिटी का क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी निकालना पड़ेगा. लोअर सीवी सिक्योरिटी शुड बी सेलेक्टेड. ये लीजिए, जब आप सीवी निकाल लेंगे तो वेरिएशन जिस सिक्योरिटी का कम होगा आप उसको क्या कर लेंगे, ऑप्ट करेंगे. सीवी निकालेंगे और जिस सिक्योरिटी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कम होगा, हम उस सिक्योरिटी को ऑप्ट कर लेंगे. तो बात आई सीवी का फॉर्मूला क्या होगा, बताएं, ध्यान है किसी को. सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इन 200. तो हमने सीवी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल दिया. अगर इन 200 नहीं करोगे तो सीवी इन एब्सोल्यूट मैनर आ जाएगा. तो दोनों सिक्योरिटीज का क्या निकाला जाएगा, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे, और जिस सिक्योरिटी का कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कम होगा, आप उस सिक्योरिटी को क्या कर लोगे, सेलेक्ट करोगे. निकालो जरा, ए का सीवी निकालो और बी का सीवी निकालो, कितना कितना आ रहा है. अगर हम ए का निकालते हैं, ए का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 6 डिवाइड बाय 15, कितना आया, 0.4. बी का 8 डिवाइडेड बाय, तो किसका कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन कम है, ए का. तो सिक्योरिटी ए शुड बी सेलेक्टेड. सीवी मेथड के आधार पर हम सिक्योरिटी ए को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे. टेन मिनट्स नाउ, बोलिए क्लियर. बिल्कुल, अगर आपको क्या दिया हुआ है, केवल और केवल रिस्क और रिटर्न दी हुई है और हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो सिर्फ रिस्क रिटर्न दे दिया, तो कैलकुलेट कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन, और जिसका कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन कम होगा आप उस सिक्योरिटी को क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे. मेथड टू,
If in the question RF, risk free rate of return, is given, then use Sharpe ratio, then use Sharpe ratio. अगर अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में उसने आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, आरएफ दे दिया, अगर उसने आपको क्या दे दिया, आरएफ दे दिया, तो उस केस में अब आप शार्पे रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे और शार्पे रेशो के आधार पर आपको डिसीजन लेना है. हायर शार्पे रेशो security should be selected Sharpe ratio return of security माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी. नोन एज एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. देखो इधर, आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री, यानी विदाउट रिस्क आप इतना तो कमा सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाऊंगा, कोई रिस्क नहीं है. मैं अपना पैसा पीएफ में लगा दूं, कोई रिस्क नहीं है. तो वहां पर भी मुझे कुछ मिनिमम रिटर्न तो मिल ही रही है. अब अगर मैं उस आरएफ के ऊपर कुछ भी कमा रहा हूं, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सेस रिटर्न. आरएफ तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा मैं अपने पैसे से एट अ जीरो रिस्क लेवल. अब मैं आरएफ के ऊपर जो कमा रहा हूं, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सेस रिटर्न. दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सेस रिटर्न. लेकिन इस एक्सेस रिटर्न को कमाने के लिए मुझे ये रिस्क उठानी पड़ रही है. इस एक्सेस रिटर्न को कमाने के लिए मुझे ये रिस्क, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस रिटर्न को अगर टोटल रिस्क से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्सेस रिटर्न अर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. हर एक यूनिट की रिस्क के लिए मैं क्या कमा रहा हूं, समझो जीरो रिस्क पर 8 कमा रहा हूं, तो 8 तो हर हालत में कमाऊंगा. अब मैंने 18 कमाया तो मैंने एक्सेस कितना कमाया, 10. लेकिन उस 10 को कमाने के लिए मुझे एक रिस्क लेवल उठाना पड़ा और वो रिस्क लेवल था मेरा 8 का, कि मुझे 8 की रिस्क उठानी पड़ी. तो इसका मतलब मैंने पर यूनिट पर क्या कमाया, उसे शार्पे रेशो बोला जाता है. मान लीजिए इन द गिवन क्वेश्चन वी अज्यूम कि हमारी जो आरएफ है वो 8% है. तो लिखें, if in given question assume rf is equal to 8%. बताएं अब a का शार्पे रेशो, a की रिटर्न कितनी थी, 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाय रिस्क कितनी थी, 6. कितना, 1.17. बी की रिटर्न कितनी थी, 18 माइनस 8
डिवाइड बाय 8, 1.25। तो कौन सी सिक्योरिटी है जो आपको हायर शार्पे रेशियो प्रोवाइड कर रही है? बी का शार्पे रेशियो हायर है, यानी पर यूनिट ऑफ रिस्क पर इसकी रिटर्न ज्यादा है, पर यूनिट ऑफ रिस्क पर इसकी रिटर्न ज्यादा है, तो हम इस सिक्योरिटी को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। लीजिए, दैट इज अवर मेथड नंबर टू, यूज ऑफ शार्पे रेशियो। मेथड थ्री, यूटिलिटी फंक्शन मेथड। यूटिलिटी फंक्शन मेथड, इफ इन द क्वेश्चन एंड यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन, then find out value of such function and select the security having higher utility, select the security having higher utility question में आपको एक function दे दिया जाएगा, आपको simply उस function में केवल value put करनी है और एक utility की value निकालनी है। utility मतलब होता है satisfaction, तो जिस सिक्योरिटी से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा होगा वही सिक्योरिटी आपके लिए बेटर है, और सेटिस्फेक्शन हमेशा मिलता है हायर रिटर्न एट लोअर लेवल ऑफ रिस्क, हायर रिटर्न एट लोअर। भाई अगर आपके पास एक ऐसी सिक्योरिटी है जो रिटर्न की टर्म्स में तो आपको फायदा दे रही है और रिस्क की टर्म्स में कम रिस्क आ रही है, तो वो सिक्योरिटी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो जैसे मान लो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में एक यूटिलिटी फंक्शन दे दिया, U is equal to return minus 0.05 standard deviation square। कैसा भी फंक्शन दे सकता है, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा return minus 0.05 standard deviation square। अब देखिएगा A में इस फंक्शन को रखो, A की रिटर्न कितनी थी 15 माइनस 0.05 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 था ना इसका स्टैंडर्ड डिवीजन, सॉल्व कर दो इसको कितना आया, 15 माइनस 1.80, तो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल या यूटिलिटी आ गई 13.2। अब बी के लिए निकालो, रिटर्न 18 माइनस 0.05 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस कितना है 3.2, तो कितना हो गया, तो बताइए किसकी यूटिलिटी ज्यादा है, यानी बी सिक्योरिटी प्रोवाइड हायर सेटिस्फेक्शन लेवल टू द इन्वेस्टर, और अगर सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है तो इन्वेस्टर शुड गो फॉर द सिक्योरिटी। तो अगर मान लीजिए आपके पास केस ए बी सी नहीं लग रहे हैं, आप समझें केस ए बी सी में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है हम किस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करेंगे, बट जो आपका केस डी था ना आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, द रीजन
डी में एक समस्या आ गई थी कि अगर सिक्योरिटी की रिटर्न कम थी तो रिस्क भी कम थी, और अगर रिटर्न ज्यादा थी तो रिस्क भी ज्यादा थी, तो अब आप अपने रूल नंबर एबीसी नहीं लगा पा रहे थे। तो अब आपको इस रूल के तहत तीन मेथड में से किसी एक मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ यही दिए गए हैं, अप्लाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड। हम क्या अप्लाई करेंगे? सीवी मेथड को अप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर क्वेश्चन में आरएफ दे दिया जाएगा तो शार्पे रेशियो से आप डिसीजन लोगे। और तीसरा, अगर आपको क्वेश्चन में कोई यूटिलिटी फंक्शन दिया जाएगा तो आप उस यूटिलिटी फंक्शन से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल निकालोगे। सीवी पर सिलेक्शन होना है लोअर बेसिस पर, शार्पे रेशियो पर सिलेक्शन होना है हायर बेसिस पर, और यूटिलिटी फंक्शन पर सिलेक्शन होना है हायर यूटिलिटी के ऊपर। हाँ बिल्कुल, चलिए लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सिलेक्शन रूल व्हेन देयर आर मोर देन टू सिक्योरिटीज। कल हमने जो क्लास में अभी रूल पढ़े, वो रूल केवल दो सिक्योरिटीज को लेकर थे कि हमारे पास दो सिक्योरिटीज हैं और उन दो में से हमें किसी का सिलेक्शन करना है। बट इन्वेस्टर के पास मोर देन टू सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, और उसमें से अगर उसे सिलेक्शन करना हो तो वो कैसे करेगा? लिखें सिलेक्शन रूल व्हेन देयर आर मोर देन टू सिक्योरिटीज। लिखें इन दिस सिचुएशन first investor has to apply, principle of dominance. And identify inefficient securities oblique portfolio and eliminate them सबसे पहले अगर मेरे पास मोर देन टू सिक्योरिटीज हैं तो मुझे एक प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस फॉलो करना पड़ेगा, और उस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के रूल्स का यूज करके मैं अपने उन सभी सिक्योरिटीज में से उन सिक्योरिटी को ढूंढूंगा जो कि इनएफिशिएंट है, यानी जो मेरी यूटिलिटी, या मैं ये बोलूं जो मेरे रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस से बाहर होती जाएंगी। अब मैंने अपने पोर्टफोलियो में से इनएफिशिएंट को ढूंढा और उनको क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो अब मेरे पास जो बचेंगे वो केवल और केवल क्या बचेंगे? एफिशिएंट। फिर लिखो लाइन चेंज करके, आफ्टर डिसाइडिंग एफिशिएंट सिक्योरिटीज ऑब्लिक पोर्टफोलियो we have to select the optimum security oblique portfolio. We have to select optimum security oblique portfolio. यानी ये क्वेश्चन दो बार में सॉल्व होगा। पहले प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगेगा, और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को लगाने के बाद आप क्या लगाओगे? ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का सिलेक्शन करोगे।
तो अब हेडिंग डालेंगे हाउ टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. केस ए लिखा था उसको हमने, केस ए था सिलेक्शन ऑफ, हाँ सिचुएशन वन, तो लिखो सिचुएशन टू. सिलेक्शन बिटवीन मोर देन, सिलेक्शन बिटवीन मोर देन टू सिक्योरिटीज. सिलेक्शन बिटवीन मोर देन टू सिक्योरिटीज, यानी अब हमें क्या फॉलो करना है कि अगर जो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं या पोर्टफोलियोज हैं, अगर टू सिक्योरिटीज ऑब्लिक पोर्टफोलियोज तो अब हमारा सिलेक्शन रूल कैसे होगा. बिल्कुल ध्यान से समझना. इन दिस सिचुएशन, सिचुएशन फर्स्ट, वी हैव टू आइडेंटिफाई इन दिस सिचुएशन फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई एफिशिएंट सिक्योरिटीज ऑब्लिक पोर्टफोलियोज आउट ऑफ अवेलेबल सिक्योरिटीज ऑब्लिक पोर्टफोलियो देखिएगा. अगर मेरा डिसीजन मोर देन टू सिक्योरिटीज को लेकर है तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, उन अवेलेबल सिक्योरिटीज या पोर्टफोलियो में से किसको चुनना है, एफिशिएंट सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करना है. आपको अंडरलाइन कर लेना, एफिशिएंट सिक्योरिटीज या पोर्टफोलियोज आपको सबसे पहले इसको ढूंढना है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू फाइंड आउट एफिशिएंट पोर्टफोलियो. तो इसके नीचे लिखेंगे एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऑब्लिक सिक्योरिटी कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एफिशिएंट पोर्टफोलियो या सिक्योरिटी को ढूंढा जा सकता है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. अब बात यह आती है कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है और क्या प्रिंसिपल था जिसके द्वारा हम अपने एफिशिएंट पोर्टफोलियो को ढूंढ सकते हैं. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ने तीन रूल समझाए. उसने बोला कि आप इन तीनों रूल्स को अप्लाई करो और इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग जो जो सिक्योरिटी, ध्यान से सुनना, इनएफिशिएंट है उन्हें रिमूव कर दो.
इन रूल्स ने एफिशिएंट को ढूंढना नहीं बताया, इन रूल्स ने बताया आउट ऑफ अवेलेबल सिक्योरिटी में से इन एफिशिएंट कौन सी है वो ढूंढो। अब अगर मैंने इन एफिशिएंट को ढूंढा और उन्हें रिमूव कर दिया तो बची हुई ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एफिशिएंट। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ने तीन रूल दिए, आप वन बाय वन रूल लगाएंगे और उन वन बाय वन रूल के द्वारा इन एफिशिएंट को क्या करोगे, बाहर कर दोगे। तो अब उनको बाहर करने के बाद आपके पास अब जो सिक्योरिटीज या पोर्टफोलियो बचेंगे, दीज आर टू बी नोन एज एफिशिएंट पोर्टफोलियो या सिक्योरिटीज। सुनना आप ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ले चलता हूं कैसे वो रूल अप्लाई होंगे। हालांकि वो तीनों रूल हमने पढ़ लिए हैं, आपने जो पिछली सिचुएशन में केस नंबर वन पढ़ा था, केस नंबर टू पढ़ा था और केस नंबर थ्री पढ़ा था, वही तीनों हमारे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस हैं। देखना एग्जांपल, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर, पी फाइव, पी सिक्स, आपको इनकी रिटर्न दी हुई है और आपको साथ में इनकी रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। 24% रिटर्न 8% की रिस्क पर, 22% रिटर्न 8% की रिस्क पर, 19% रिटर्न 8% की रिस्क पर, 24% रिटर्न 11% की रिस्क पर। तीस परसेंट रिटर्न 12% की रिस्क पर, 28% रिटर्न 10% की, नहीं 28% रिटर्न आप ले लो 14% की रिस्क पर। आपको ये पोर्टफोलियो दिए हुए हैं, ये उन पोर्टफोलियो की क्या दी हुई है, रिटर्न, और ये उन पोर्टफोलियो की क्या दी हुई है, रिस्क। अब इसने दो क्वेश्चन आपसे मांगे हैं, सुनना बहुत ध्यान से, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। पहला, आइडेंटिफाई एफिशिएंट पोर्टफोलियो, आइडेंटिफाई एफिशिएंट पोर्टफोलियो फाइंड आउट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो यूजिंग ए सीवी मेथड, सीवी मेथड से ऑप्टिमम ढूंढो, बी शार्पे रेशो, इफ आरएफ इज इक्वल टू 9%, और सी यूटिलिटी फंक्शन, यू इज इक्वल टू 2R-0.10 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, 2R-0.10 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। ठीक है,
चलिए सबसे पहले हमें एफिशिएंट पोर्टफोलियो ढूंढना है, सॉल्यूशन का ए पार्ट, एफिशिएंट। रूल वन लिखो, इफ एनी पोर्टफोलियो, इफ एनी पोर्टफोलियो प्रोवाइड सिमिलर रिटर्न एट हायर लेवल ऑफ रिस्क देन सच पोर्टफोलियो शुड बी कंसीडर्ड एज इनएफिशिएंट, शुड बी considered as inefficient. बिल्कुल ध्यान से रूल पढ़ो, अगर कोई पोर्टफोलियो ऐसा है जो सिमिलर रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एट हायर लेवल ऑफ रिस्क, आप जरा देखो ऊपर वाले पोर्टफोलियो में क्या कोई ऐसे पोर्टफोलियो हैं जिनकी रिटर्न बिल्कुल सिमिलर है, किस किस की रिटर्न सिमिलर है बताओ, P1 और P4, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिमिलर रिटर्न पर भी P4 की रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो P4 को तुरंत रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये सिमिलर रिटर्न दे रहा है लेकिन इसकी जो रिस्क लेवल है वो P1 के कंपैरिजन में क्या है, हायर है, तो ड्यू टू द रूल नंबर वन मेरा जो P4 है वो इनएफिशिएंट डिक्लेयर हो गया इन कंपैरिजन टू P1, तो मैं तुरंत P4 को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दूंगा, तो इस रूल की वजह से हमारा P4 क्या हो गया, इनएफिशिएंट। तो लिख दो इस बात को, लिखो इसके नीचे, इन द गिवन क्वेश्चन P1 एंड P4 प्रोवाइड सिमिलर रिटर्न, इन द गिवन क्वेश्चन P1 एंड P4 प्रोवाइड सिमिलर रिटर्न बट रिस्क लेवल ऑफ P4 इज हायर, बट रिस्क लेवल ऑफ P4 इज हायर, हेंस P4 शुड बी कंसीडर्ड एज इनएफिशिएंट, P4 शुड बी कंसीडर्ड एज इनएफिशिएंट and eliminated, P4 should be considered as inefficient and eliminated, उसे हम क्या मानेंगे, inefficient मानेंगे और बाहर कर देंगे। बोलो रूल वन क्लियर है, बिल्कुल लिखेंगे। रूल टू इफ एनी पोर्टफोलियो प्रोवाइड लेस रिटर्न, एट सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क, एट सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क,
सच पोर्टफोलियो शुड बी कंसीडर एज इनएफिशिएंट ये लीजिए समझना रूल क्या है. अगर कोई भी पोर्टफोलियो कम रिटर्न दे रहा है इन कंपैरिजन टू अदर, लेकिन उन दोनों का जो रिस्क लेवल है वो क्या है, इक्वल है. अब अगर रिस्क लेवल इक्वल है और रिटर्न कम प्रोवाइड हो रही है तो बेकार है उसमें पैसा लगाना, क्योंकि मैं कम रिस्क पर हाई रिटर्न कमाना चाहता हूं. तो जरा चेक करते हैं ऊपर कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं जिनकी रिस्क लेवल इक्वल है. तीन पोर्टफोलियो P1, P2, P3, तीनों का रिस्क लेवल इक्वल है, लेकिन इन दोनों का रिस्क लेवल इसके कंपैरिजन में कम है. तो मैं इनमें से कहीं भी पैसा लगाने के बजाय किसमें लगाना चाहूंगा, समझ लो रिस्क जब इक्वल उठानी है तो मैं ये चाहूंगा ना कि जहां उसी रिस्क पर मुझे क्या मिल जाए, मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए. क्लियर रूल नंबर टू, तो लिखें इसको. इन द गिवन क्वेश्चन पोर्टफोलियो P1, P2, P3, पोर्टफोलियो P1, P2, P3 प्रोवाइड डिफरेंट रिटर्न्स एट सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क, प्रोवाइड डिफरेंट रिटर्न एट सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क. एंड P2 एंड P3 प्रोवाइड लेस रिटर्न, एंड P2 एंड P3 प्रोवाइड लेस रिटर्न इन कंपैरिजन टू P1. Hence, these are to be considered as inefficient. These are to be considered as inefficient and must be eliminated. Must be eliminated. आइएगा रूल नंबर थ्री लिखें. इफ एनी पोर्टफोलियो प्रोवाइड लेस रिटर्न, any portfolio provide less return at higher level of risk, higher level of risk, such portfolio should be considered as should be considered as inefficient. तीसरा रूल ये लगेगा, ध्यान से पढ़ो क्या रूल है. कोई पोर्टफोलियो रिटर्न तो कम दे रहा है और रिस्क उसमें बहुत हाई है, तो क्या ऐसे पोर्टफोलियो में पैसा लगाओगे? नहीं. तो उसको हम तुरंत क्या कर देंगे, एलिमिनेट. ऊपर चलते हैं. अच्छा, हमारे कौन कौन से बाहर हो चुके हैं एक बार देखो. हमारा बाहर हो गया है P2 बाहर है, P3 बाहर है, P4. तो अब हमारे पास तीन बचे, P1, P5 और P6. कंपेयर करते हैं.
अगर पी वन को पी फाइव से कंपेयर करता हूं तो देखो रिटर्न ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है. रूल नहीं लग रहा, रूल कब लग रहा है? रिस्क तो ज्यादा है और रिटर्न कम है. आइए इनमें देखोगे तो आपको यह चीज दिखाई दे रही है. पी फाइव और पी सिक्स को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है कि पी सिक्स में हाई रिस्क पर कम रिटर्न जनरेट हो रही है. तो पी सिक्स को मैं बाहर कर दूंगा इन कंपैरिजन टू पी फाइव. लिख दें रूल. इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन पोर्टफोलियो पी सिक्स प्रोवाइड, इन द गिवन क्वेश्चन पोर्टफोलियो पी सिक्स प्रोवाइड लेस रिटर्न एट हायर लेवल ऑफ रिस्क. लेस रिटर्न एट हायर लेवल ऑफ रिस्क इन कंपेरिजन टू पी फाइव, इन कंपेरिजन टू पी फाइव हैंस शुड बी कंसीडर्ड एज, हैंस शुड बी कंसीडर्ड एज इनएफिशिएंट एंड मस्ट बी एलिमिनेटेड. नाउ सुनेंगे अब बिल्कुल ध्यान से. तो अब अकॉर्डिंग टू दीज रूल नाउ आवर एफिशिएंट पोर्टफोलियो, नाउ आवर एफिशिएंट पोर्टफोलियो, बताइए एक तो पी वन बचा और एक पी फाइव बचा, इसकी रिटर्न बताओ. 24% रिटर्न, 30% रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन. अब इनमें मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा. अब ये दोनों एफिशिएंट हैं, अब मुझे इसमें से क्या चुनना है? ऑप्टिमम. तो ऑप्टिमम चुनने के तीन मेथड हैं, तो उन ऑप्टिमम के मेथड लगाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला है तीनों मेथड से चुन के बता दो आप. तो चलिए अब हम सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम करते हैं. सेलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो. मेथड वन, सीवी मेथड. तो इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है पी वन का. पी वन की रिस्क है 8 अपॉन रिटर्न कितनी थी? 24 इंटू 100, 33.33. इधर आ जाओ. पी फाइव है ना, पी फाइव रिस्क कितनी है? 12 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 कितना? 40%. तो बताइए अकॉर्डिंग टू द सीवी मेथड कौन सा पोर्टफोलियो सेलेक्ट हो जाएगा? पी फाइव विल बी सेलेक्टेड, नहीं पी वन, क्योंकि आपका सीवी जिसका कम होता है. तो लीजिए मेथड वन के अकॉर्डिंग लिख दें नीचे पी वन शुड बी सेलेक्ट. सेलेक्टेड मेथड टू शार्पे रेशो. पी वन का शार्पे रेशो निकालेंगे. रिटर्न 24, आरएफ 9 डिवाइडेड बाय 8, 1.08.
P5 के लिए निकालेंगे, 30 की रिटर्न माइनस 9 डिवाइड बाय 12, 12 ही है ना, 1.75। किसका शार्पे रेशियो बेटर है? P1 का, तो P1 शुड बी सेलेक्टेड। P1 शुड बी सेलेक्टेड। मेथड 3 बताइए क्या फंक्शन दिया हुआ है यूटिलिटी का, 2R माइनस 0.10 स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर। P1 2 × 24 माइनस 0.10 इंटू, इसकी रिस्क कितनी थी तो 8 स्क्वायर, तो 48 माइनस ये कितना आया, 8 स्क्वायर इंटू 0.10 6.4 है। P5 2 × 30 माइनस 0.10 इंटू 12 का स्क्वायर, 60 माइनस 14.4 45। तो किससे आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो यानी P5 शुड बी सेलेक्टेड, P5 शुड बी, P5 शुड बी सेलेक्टेड। ये आपका था पूरा टॉपिक नंबर 3, जिसमें हमने हैरी मार्कोविच के रिस्क रिटर्न एनालिसिस के प्रिंसिपल यूज किए और ये डिसीजन लिया कि हमारे पास ऑप्टिमम पोर्टफोलियो या सिक्योरिटी का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो 3 बातें हो गई हमारी, एक तो हमने पहले क्या निकालनी सीखी, रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी, फिर उसके बाद सीखी रिस्क फ्रॉम अ सिक्योरिटी, और उसके बाद हमने क्या सीखा, इनका सिलेक्शन रूल कि अकॉर्डिंग टू हैरी मार्कोविच हम रिस्क रिटर्न का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर यह निकालेंगे कि हमारी किस सिक्योरिटी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए।